एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साउंड्स। आप सभी ने छोटी क्लासेस में सेवन्थ एट से पढ़ते आ रहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट इन वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर इसका उल्टा कर दे, सॉल्ट प्लस वाटर गिव यू एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर में अगर बिजली पास कर दें तो एसिड बेस आ जाएगा, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट प्लस वाटर गिव यू एसिड प्लस बेस, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो अब आपको क्वेश्चन में मीन्स तीन चार सॉल्ट दे दिए होंगे, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि बताओ ये किस तरह के एसिड, किस तरह के बेस से बना और ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप बताएं कि जो बेकिंग सोडा है वो किस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये आपको हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन करने के बाद पता चलेगा। आपको पूछा गया कि बेकिंग सोडा किस तरह का सॉल्ट होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 है, किस तरह का सॉल्ट पता करने के लिए मेरे को उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, बिजली पास करनी पड़ेगी। जब NaHCO3 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, साथ में NaOH बन जाएगा। अब H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड है, जो हम रोज कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड ही भरा होता है, मतलब अगर वो वीक एसिड ही होगा तभी पी पा रहे, नहीं तो हम मर जाते अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता। और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, KOH, NaOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मींस ये बेसिक सॉल्ट होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता, वीक बेस होता, बेस वीक होता, तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। मींस अगर यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होता, बेस वीक होता, तो वो मेरे पास एसिडिक सॉल्ट होना था। पर जो चीज स्ट्रॉन्ग है ना, उस वो ही यानी सॉल्ट का नेचर होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे पास वो बेसिक सॉल्ट हो गया। अब आपको क्वेश्चन में आ गया, पूछ लें कि ZnSO4 किस तरह का सॉल्ट होगा, ये पता करवाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस ही करनी पड़ेगी। तो ZnSO4 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपको पूछा गया कि क्वेश्चन में बताओ कि ZnSO4 किस तरह का सॉल्ट होगा, पानी के साथ रिएक्शन करा के बिजली पास करवाएं तो बनेगा क्या, H2SO4 और ZnO। H2SO4 इज द किंग ऑफ केमिकल्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जो आपने छपाक मूवी देखी होगी उसमें जो केमिकल एसिड अटैक होता है वो बेसिकली H2SO4 के साथ ही होता है। तो जो H2SO4 है ये हमारा किंग ऑफ केमिकल्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ZnO जबकि वीक बेस है। अब शक्तिशाली क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट भी किस तरह का होगा, एसिडिक सॉल्ट। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तरह का सॉल्ट होगा, तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो आप घर पे नमक खाते हैं NaCl, वे किस तरह का सॉल्ट है, तो आपको इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, H2O के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, बिजली पास करवानी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या बन रहा है, NaOH प्लस HCl। HCl भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो मीन्स वो न्यूट्रल होगा, ये सॉल्ट न्यूट्रल है। यानी अगर यहाँ पे दोनों, ये भी वीक एसिड होता है, ये भी वीक बेस होता, तो भी न्यूट्रल होना था। एक अब NCERT में आपको पूछा गया हुआ है क्वेश्चन रिएक्शन की, आप बताएं कि Na2SO4 किस तरह का सॉल्ट होगा। सो Na2SO4 किस तरह का सॉल्ट होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास क्या बन गया, H2SO4 प्लस 2NaOH। ये जो अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट। इन शॉर्ट ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट थी, जिस ये आपको या तो अगर डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, व्हेन सॉल्ट्स रिएक्ट विद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दैट सॉल्यूशन, इट इज डीकम्पोज्ड इनटू एसिड एंड बेस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, देन इट इज डीकम्पोज्ड इनटू एसिड एंड बेस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और आपको ये तो डेफिनेशन हो गई जो पेपर में आ सकती है, उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आप नेचर ऑफ सॉल्ट बताएं, जैसे इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, जिस भी सॉल्ट का नेचर पूछा होगा आपको उसकी रिएक्शन पानी के साथ रिएक्ट करवा के देखना है एसिड और बेस किस तरह का बना। अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है,
तो मेरे पास एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये हमारी टॉपिक खत्म हो गया। दैट्स इट।